आई वुड लाइक टू टेल यू दिस वीडियो इज द पार्ट ऑफ दिस फुल सेफ एप डेवलपमेंट कोर्स तो इसे जाओ सेव करो बुक मार्क करो सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना क्वेरी हो तो पूछना एंड माई नेम इज़ अभिषेक सिंह एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो फुल सैफ एफ डेवलपमेंट कोर्स तो हमने अभी तक एस जी एम एल पूरी खत्म कर लिया है और अब हम सी एस एस स्टार्ट करेंगे तो सी एस एस स्टार्ट करते हैं सी एस एस का मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स अब हम इससे डिज़ाइन देते हैं हमने एस जी एम एल से पूरी स्ट्रक्चरिंग कर ली अब डिज़ाइन तो सिंटेक्स इस टाइप से होता है कुछ इसका सबसे पहले हमें लिखना होता है एलिमेंट का नाम ये देखो सेलेक्टर है इसे बोलते हूँ सेलेक्टर सबसे पहला आता है सेलेक्टर एलिमेंट का नाम ये हो गया एलिमेंट का नाम इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करके एक ओपनिंग ब्रैकेट एक क्लोजिंग ब्रैकेट इसके बीच में हमें लिखनी होती है पूरी प्रॉपर्टी जो भी देनी है जैसे कलर देना है रेड हो जाए कलर तो जिस भी एलिमेंट का हम देंगे कि कलर रेड हो जाए हो जाएगा इस केस में डिव है तो डिव का कलर रेड हो जाएगा इस टाइप से सी एस एस का सिंटेक्स है सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मेट तो ऐसे सी एस एस ऐसे यूज होती है अब सेलेक्टर्स भी बहुत टाइप के होते हैं जैसे कि इसमें तो यूज़ कर लिया है बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं आगे वीडियो में देखेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बहुत टाइप की होती हैं अभी हम देखेंगे एक एक करके और प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू होती है वैल्यू बेसिकली दो टाइप की होती है या तो यूजर डिफाइंड जो कि हम स्पेसिफिक दे सकते हैं जैसे जैसे 200 पिक्सल या फिर कलर कलर भी हम अपनी तरफ से कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हैं हेक्स कोड या कैसा भी दूसरी वैल्यू होती है जो प्री डिफाइंड होती है जैसे कि मान लो एक लिस्ट का स्टाइल देना है या तो डिस्क होगी बुलेट होगी सर्कल होगी हम अपनी तरफ से कुछ नया नहीं बना सकते जो हैं वो ही हैं तो ये होता सिंटैक्स अब देखते हैं आगे तो इसमें प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं बहुत सारी हम एक एक करके देखेंगे भी बस ये तो एक एग्जांपल है कि कलर प्रॉपर्टी है उसका कलर रेड हो गया वरना बैकग्राउंड कलर बॉर्डर मार्जिन पैडिंग फ्रंट फैमिली पोजीशन टेक्स्ट लाइन बैकग्राउंड इमेज फ्रंट स्टाइल अब सबसे पहले हम सीएसएस देखेंगे तो उससे पहले मैं यह पता होना चाहिए कि सीएसएस ऐड कैसे करेंगे राइट right, हमने एस फाइल बना ली सी को लिखेंगे कैसे कहाँ लिखेंगे उसके तीन वेज होते हैं पहला इंक्लाइन इंक्लाइन मतलब इंक्लाइन मतलब जब हम सी एस प्रॉपर्टी लिखते हैं नेक्स्ट टू एस टी एम एलिमेंट मतलब हमने एक एस टी एम एलिमेंट लिखा जैसे डिव लिख दिया और डिव का जो ओपनिंग ब्रैकेट है हम उसी के बीच में सी एस लिख दें स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के उसके बीच में सी एस की प्रॉपर्टी दे दें जैसा मैंने कल करके भी दिखाया था एक डिव को मैंने बॉर्डर दिया था रेड ठीक है दूसरा मैथड है इंटरनल इंटरनल क्या होता है वैन वी एड सी एस एस प्रॉपर्टी इन साइड ऑफ अ हैड टैग जब हैड टैग के अंदर ही हम सी एस एस लिख देते हैंड टैग के अंदर ही हमने लगाए दो स्टाइल टैग और हमने बहुत सी एस एस की प्रॉपर्टी वहीं पर लिख दी तीसरा और माई पर्सनल फेवरेट एक्सटर्नल ये इसका मतलब है वैन वी एड सी एस एस प्रॉपर्टी इन अ सेपरेट सी एस एस फाइल ए लिंक दैट सी एस एस फाइल टू आर एस टी एम एल फाइल मतलब हम नई सी फाइल बनाते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज लिखी होती है सी की और फिर उस फाइल को हम एस फाइल से लिंक करते हैं सो आई प्रेफर दिस वन पर ये तभी के लिए सही है जब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो वरना बेसिक स्टाइलिंग करनी हो तो इंटरनल से भी हो जाता है इंक्लाइन को अवॉइड ही करते हैं इतना अच्छा नहीं होता इंक्लाइन तो पर एक एक करके देखते हैं सारी ऑल राइट सो एक इंडेक्स डॉट एस एक फाइल क्रिएट कर ली है और वो यहाँ पर एक्सलमेटरी मार्क लगा के एमिट एब्रीविएशन करेंगे और और ये काफ़ी ज्यादा जो कोड आ जाता है इसमें से मैटाटैक्स हटा देंगे भी कोई काम नहीं है मैटाटैक्स का तो ये हमारी वेबसाइट अब इसमें स्टाइल करने के लिए हम पहले कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं राइट तो जैसे कि बना लेते हैं एक एच वन हेडिंग वेलकम टू सी एस एस टूटोरियल एक पैराग्राफ ओके okay. तो एक हेडिंग है एक पैराग्राफ है वेलकम टू सी एस एस लेक्चर पैक प्रोग्रामर अब लाइव सेवा ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है ओके okay, तो देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल जैसा लगता है एच टी एम एल अब इसमें सी एस एस ऐड करते हैं वो भी तीन हो सब से सबसे पहले इंक्लाइन इंक्लाइन मैंने बताया था जो एलिमेंट है उसी के ओपनिंग टैग में है. तो एच वन में ऐड करना तो यहीं पे स्टाइल लिखा और यहीं पे दे दिया जैसे कि कलर थी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी तुमने तो कलर दिया और बता दिया कौन सा जैसे कि इसमें क्या दिया ब्लू आ रहा है ब्लू हो जाए सेव किया ओपन कर रहा है देखो ब्लू हो गया इस टाइप से इंक्लाइन काम करता है हम इसे नीचे वाले को भी दे सकते हैं इसको देते हैं इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर क्रिमसन हो जाए मेरा फेवरेट कलर वैसे है क्रिमसन सेव किया ये देखो बैकग्राउंड कलर हो गया क्रिमसन इस टाइप से काम करता है इंक्लाइन सी एस एस पर ये रिकमेंडेड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वेब डेवलपर इसे अवॉइड करने की ट्राई करते हैं और अब सेकेंड मैथड देखते हैं जो कि काफ़ी ठीक है अगर थोड़ी कम स्टाइलिंग है इंटरनल यहाँ पर देखो क्या किया है टैग के अंदर स्टाइल टाइप किया और एमिट एमिटाब्रिवेसन और ये एक स्टाइल टैग खुल गया है इसके बीच में भी लिखनी है पूरी सी एस एस जो भी लिखनी है तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे तो स्टाइल लिखा और दे दी प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे पता लगा कौन सा एलिमेंट किया तो यहाँ पे काम आता है सेलेक्टर जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में सिंटाज दिखाया था अभी एच को देनी है पहले मैं लिखूँगा एच उसके बाद ओपनिंग कर ली ब्रैकेट क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट अब इसके बीच में देनी है प्रॉपर्टी जैसे कि कलर कलर दे दिया हमने आ, ब्राउन तो सेव करेंगे ये देखो ब्राउन कलर हो गया अब यही नहीं है सीधे लाइन में होना चाहिए इसे हम ऐसा करके यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो भी देंगे वो H1 का ही होगा पार्ट अब बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने अगर बैकग्राउंड कलर दे दिया कैडेट ब्लू और सेव किया तो ये देखो कैसा आ गया कैडेट ब्लू कलर बैकग्राउंड में इस टाइप से हम दे सकते हैं बहुत सारी और हम पैराग्राफ को नीचे दे सकते हैं पी लिख के एलिमेंट से सेलेक्ट किया पी पी सेलेक्टर है एलिमेंट सेलेक्ट किया सीधा और दे दी इसकी भी प्रॉपर्टी इसकी भी हम कलर दे देंगे या कोई भी दे सकते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्वा दे दी और ये हो गया कितना गंदा लग रहा है जो कि इसको हम कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं ये हम विजुअल स्टूडियो कोड की ऐसे कर सकते हैं हम कलर के ऊपर होवर करेंगे और ये देखो ये आ गया अब इसको हम कुछ भी कस्टमाइज करके दे सकते हैं कलर इसलिए मैंने बताया था ये यूज़र डिफाइंड वैल्यूज हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं आर जी बी हम इस पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं हैश वैल्यू आ गई हैश के बाद सिक्स डिजिट की वैल्यू इसके बाद ये एच एस एल होती है इसमें हम परसेंटेज के बेसिस पे देते हैं या फिर आर जी बी तो है ही और आर के अलावा यहाँ पे होता है ओपेसिटी मतलब कितना ट्रांसपेरेंट रखना है ये देखो आर ए आ गया मतलब ये तीनों है रेड ग्रीन ब्लू और ये जो है ये है एल्फा मतलब ओपेसिटी आर का मतलब रेड जी का मतलब ग्रीन बी का मतलब ब्लू ए का मतलब एल्फा अगर मैंने ये कर दिया तो ये लाइट हो जाएगा कलर पहले मैं डार्क करके दिखाता हूँ वो भी डार्क ग्रीन ओके सेव ये देखो कैसा आ रहा है और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँ ब्लैक तो अब देखने कैसा आ रहा है यह yeah. अब मैं ब्लैक को ब्लैक का अल्फ़ा भी कम कर सकता हूँ तो ओपेसिटी सी कम हो जाएगी और थोड़ा लाइट ब्लैक दिखेगा ये देखो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया अगर इसको बिल्कुल ही जीरो कर दें या एकदम वन कर दें तो देखो कितना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट गायब इस टाइप से हम इंटरनल सी यूज़ कर सकते हैं अब तीसरा वे और मोस्ट रिकमेंडेड वे जो कि है एक्सटर्नल एक्सटर्नल के लिए एक पहले फाइल बना लेते हैं यहाँ पे इसी फोल्डर में सी एस एस एक्सटर्नल लिंक करने के लिए एक सी एस एस फाइल बनाते हैं मान लो स्टाइल डॉट सी एस एस ये देखो विजुअल स्टूडियो को सी एस एस डाल दी इसका एक्सटेंशन खुद ही डिटेक्ट कर लिया तो लोगो चेंज कराए सी एस एस और उसके बाद एंटर और ये सी एस एस फाइल बन गई है अब हमें इसमें भी वैसे लिखना जैसे उसमें लिखा था हमने इंटरनल में सेलेक्टर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट इसके बाद हमें जो देना, इसमें देना है इसमें देनी है प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल अगेन कलर और इसमें वॉयलेट ब्लू अब देखो सेव करा इसको और इसको तो देखना कैसा हो रहा है कलर बूम कुछ नहीं हुआ <laughs> क्योंकि इसे कैसे पता कि इसकी फाइल है मान लो मैंने और प्रॉपर्टीज दे दी पैराग्राफ की दे दी कि बैकग्राउंड कलर हो जाए आ, ब्राउन कलर हो जाए वाइट इसे कैसे पता कि इसकी बात हो रही है इसे तो ये नहीं पता कौन सी है उसे हम ले इसके लिए हमें इसे लिंक करना पड़ता है और ये होता हैड टैग के अंदर ही हेड टैग के अंदर कहीं भी दे सकते हैं एनी टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे कहीं भी तो जैसा हम स्टाइल टैग देते थे इसके बजाय इस बार हम करेंगे लिंक और ये देखो सी एस एस आ रहा है लिंक कॉलन सी एस एस इस पर क्लिक किया तो ये ख़ुद ही लिंक टैग ओपन हो गया जिसमें कि एक एट्रीब्यूट है रिलेशनशिप इस पर होवर करेंगे दिखा रहा है रिलेशनशिप और इसमें वैल्यू दी हुई है स्टाइल शीट क्योंकि सी एस एस की स्टाइल शीट है अब एच आर एफ है उसकी लोकेशन के लिए कि कहाँ है वो रिसोर्स जो है उसकी कहाँ पर है तो वो स्टाइल शीट है एग्जैक्टली स्टाइल डॉट सी एस एस यही है अगर हम सेव करेंगे तो अब देखना सब हो चुका है अगर हमने इसको डिलीट भी कर दिया बाई चांस से कॉपी करता कर मैं सेव किया डिलीट क्लोज किया अब यहाँ से मैंने डिलीट कर दी फाइल सो so, यस yes, डिलीट कर दी अब नो no सरप्राइज चली जाएगी सी तो मैं ये बता रहा था हम ऐसे भी कर सकते हैं जब भी हमें लिंक करना हो जरूरी नहीं नई फाइल क्रिएट करके करें हम यहाँ पे लिंक सी डालेंगे और उसके बाद ये खुद ही अभी भी यही दिखा रहा है स्टाइल डॉट सी तो ये विजुअल स्टूडियो कोड की पावर है जब हम इस पे और करते हैं तो ये आ रहा है फॉलो लिंक अब कंट्रोल होल्ड करके ये देखो यहाँ पॉइंटर आ गया अब इस पर क्लिक करेंगे सीधा फाइल खोल देगा अब ये बोल रहा है ऐसे कोई फाइल नहीं है क्रिएट ये बना क्रिएट फाइल क्रिएट फाइल पर क्लिक किया खुद फाइल बन गई अलग से हमें करनी नहीं पड़ी विजुअल स्टूडियो कोड की वजह से हमने ऐसे बना दी अब इसमें सी एस एस सेव कर लेंगे इसे सेव करेंगे अब वापस से वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो इस टाइप से सी एस एस हम लिंक कर सकते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सी एस एस के सेलेक्टर जो कि बहुत सारे हैं और अब तुम रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज़ को जो तुमने एस में क्लासेज और आई पढ़ी थी क्योंकि वो भी एक सेलेक्टर का पार्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में मजा आने वाले हैं ओके okay.